Good morning, students. Welcome in the next lecture of Pharmaceutics 2. We are discussing the chapter Monophasic Leukodystrophy Form. In this chapter, we have already discussed different type of monophasic leukodystrophy form. We are discussing the topic liquids for external use, in which we are discussing liquid to be used in mouth and other body cavities. In the previous lecture, we have discussed many type of liquids which are used in different body cavities. Now, in that continuity, today we are going to discuss douche. What are douche? Douche are aqueous solution meant for introduction into one of the body cavities, either for medicinal treatment or for hygienic purposes. So, douche क्या होता है? Douche होता है aqueous solution, water mineral vehicle को ऐसा solution और इसको हम कहाँ use करते हैं? बॉडी की कैविटीज के अंदर हम इसको यूज करते हैं. किस पर्पस के लिए? एक तो है मेडिसिनल पर्पस के लिए, ठीक है, कि इसके अंदर हम कोई मेडिसिन दे देते हैं. एक तो मेडिसिनल पर्पस है और सेकंड क्या है? हाइजीनिक पर्पस, यानी बॉडी की जो कैविटी है उसको क्लीन करने के लिए हम डाउट को यूज करते हैं. तो डाउट है एक्वस वाटर बेस्ड सॉल्यूशन होते हैं जो मेडिसिनल पर्पस के लिए, हाइजीनिक पर्पस के लिए, दोनों तरीके के लिए यूज होते हैं. मोस्टली डाउट टर्म है, ये टर्म यूज होती है वजाइना सॉल्यूशंस के लिए, यानी वजाइना की कैविटी को जो क्लीन करने के लिए जो सॉल्यूशन यूज होते हैं ना, उनके लिए यूज होती है और इसको बोला जाता है इरिगेशन, ठीक है. और इसके अलावा जो बॉडी की और कैविटीज हैं उनकी क्लीनिंग के पर्पस के लिए, जैसे उनके अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल चला गया है तो फॉरेन पार्टिकल को रिमूव करने के लिए भी हम डाउट को यूज करते हैं. अब ये कौन सी कैविटीज होती है? ये कैविटीज होती है आपकी, जैसे ये ईयर की कैविटी, आई की कैविटी, नेजल कैविटी, इनमें से फॉरेन पार्टिकल को रिमूव करने के लिए, जहाँ आप कह सकते हैं कि जो डिस्चार्ज आता है उसको क्लीन करने के लिए आप डाउट को यूज करते हैं. अब जो डाउट होते हैं एक्चुअली तो क्या है कि जो डिस्मेंस होते हैं मार्केट में मोस्टली ये पाउडर फॉर्म में, जहाँ आप कह सकते हैं कि टैबलेट फॉर्म में डिस्मेंस किया जाता है. जब इनको इस फॉर्म में डिस्मेंस किया जाता है तो साथ में डायरेक्शंस लिखी जाती हैं कि इनको कितने प्योरीफाइड वाटर के अंदर आपने डिजॉल्व करके यूज करना है, ठीक है. वो डायरेक्शन स्पेसिफाइड क्वान्टिटी ऑफ वाटर की जो डायरेक्शन होती है वो इसके ऊपर मेंशन होती है. तो डाउट जो है क्लीनिंग डाउट भी आते हैं और मेडिकेटेड डाउट भी आते हैं. क्लीनिंग डाउट जो सिर्फ हाइजीनिक पर्पस के लिए आते हैं, तो क्लीनिंग डाउट्स में मोस्टली जो हमारे पास है वाटर है, सोडियम क्लोराइड 0.2% आइसोटोनिक, बोरिक एसिड 2%, द सोडियम बाइकार्बोनेट 2%. ये एग्जांपल्स हैं जो क्लीनिंग डाउट आते हैं आपके. और जो मेडिकेटेड डाउट आते हैं उनके अंदर होता है मर्क्यूरी क्लोराइड 1 in 3000 टू 1 in 10,000 इस कंसंट्रेशन में. फिर है सिल्वर नाइट्रेट 1 in 1,000, फिर पोटेशियम पर मैगनेट 1 in 4,000 और लैक्टिक एसिड 0.5% से 3% का. इसके अलावा वीक सॉल्यूशंस ऑफ टैनिक एसिड या एस्टिक एसिड और एलम, इनको भी हम यूज करते हैं एज डाउट. फिर पोटेशियम पर मैगनेट, परऑक्साइड और परबोरेट, इनको डाउट के अंदर डाला जाता है ड्यूरेटेड पर्पस के लिए. और जो ड्रग्स हैं आपकी टैनिक एसिड वगैरह, इनको हम डालते हैं एज स्टिमुलेंट. स्टिमुलेंट आप सभी जानते हैं प्रोटीन प्रेसिपिटेंट होते हैं. तो ये हो गए आपके मेडिकेटेड डाउट्स. अब डाउट्स कैसे आते हैं, किस मतलब आपके पेशेंट को जब एडमिनिस्टर करते हैं तो कैसे? तो डाउट्स के लिए डाउट्स कैन आता है, ये मेटल या प्लास्टिक का बना हुआ कंटेनर होता है, ठीक है. इसकी कैपेसिटी 1 to 2 liter के बीच में होती है और इस कंटेनर के साथ, इस कंटेनर के अंदर आप सॉल्यूशन को डाल देंगे, इसके साथ एक रबड़ की ट्यूब लगी होती है. ये जो ट्यूब होती है ये 2 meter तक लॉन्ग होती है और इसके साथ अटैच होते हैं नोजल्स. ये जो नोजल्स होते हैं, इन नोजल के थ्रू आप डाउट को बॉडी की कैविटी के अंदर स्प्रे करते हो. तो ये है आपका टॉपिक डाउट, ठीक है. अब डाउट के बाद नेक्स्ट आ रहा है इन्हेलेशन. डाउट चाहे आपने फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा था, बाकी जितनी भी सारी ये हैं वो सब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है. इन्हेलेशन, इन्हेलेशन के प्रैक्टिकल भी आपने ही लैब में परफॉर्म करते हैं. इन्हेलेशन क्या है?
जिनके अंदर हमने जो वॉलक्राफ्ट इंग्रेडिएंट डाले हैं वो इंग्रेडिएंट आपके नेजल ट्रैक में, ठीक है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाके अपना इफेक्ट जो है शो करते हैं। लोकल इफेक्ट भी शो कर सकते हैं अगर लोकल कोई इन्फेक्शन है, और ब्लड सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होके सिस्टमिक एक्शन भी शो कर सकते हैं। और इनका काम क्या होता है कि किस पर्पस के लिए, दे रिलीव नेजल कंजेशन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। आपके नोज की जो कैविटी है उसके अंदर कोई कंजेशन है, जैसे आपको फिर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इनहेल कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट को इनहेलेशन की। जहाँ रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रॉब्लम आ रही है, इन्फ्लेमेशन है, कोई इन्फेक्शन है, तो भी आप इनहेलेशन को यूज कर सकते हैं। अगर तो बहुत ही वॉलेटाइल इंग्रेडिएंट इसके अंदर डाले गए हैं इनहेलेशन के, तो एडमिनिस्टर करने का तरीका क्या है कि आप कोई हैंडकरचीफ या कोई कॉटन का क्लोथ लेके, कोई एब्जॉर्बेंट वाटर लेके उसके ऊपर इसको थोड़ा सा डालिए, ठीक है, और अपनी नोज की कैविटी को पास करके इनहेल करिए, वेपर्स को इनहेल करिए। नहीं तो सेकंड मेथड क्या है कि आप वार्म वाटर लीजिए, ठीक है, वार्म वाटर में स्पेसिफाइड अमाउंट इसकी डाल दीजिए जो इनहेलेशन है, और उन वेपर्स को आपने इनहेल करना होता है। तो ये है आपके जो इनहेलेशन, आपके प्रैक्टिकल्स में भी आपने इनहेलेशन बनानी है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपकी, जैसे है विद जॉइंट इनहेलेशन, बेथोन इक्विलिब्रियस इनहेलेशन, ये आपने लैब में बनानी है, फिर एफिडिन इनहेलेशन, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इनहेलेशन की। अब आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी इस टॉपिक की, फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक था आपका केमिस्ट्री के अंदर इनहेलेंट्स, तो इनहेलेंट्स जो है वो कौन सी ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जिनका बहुत ही हाई पेपर प्रेशर होता है, और उस हाई पेपर प्रेशर की वजह से वो आपके नेजल पैसेज से इजिली कैरी हो जाती है, ठीक है। तो जिस डिवाइस से आप हमको लेते हैं उसे हम इनहेलर कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल अगर आपको याद हो तो प्रोपाइल हेक्साब्रीन इनहेलेंट, ये आपने पिछले साल फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो ये है आपका टॉपिक इनहेलेशन। उसके बाद इस क्लासिफिकेशन में आपका लास्ट टॉपिक आ रहा है, दैट इज नेजल ड्रॉप। नेम से आपको समझ में आना होगा कि नोज में इंस्टिल करने वाले ड्रॉप्स जो हैं यूजली एक्वस सॉल्यूशन मेंट फॉर इंस्टिलेशन इनटू नोस्टिल बाय मींस ऑफ ड्रॉप। तो नेजल ड्रॉप्स क्या होते हैं? नेजल ड्रॉप्स होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन, मोस्टली एक्वस सॉल्यूशन, आजकल तो हाई मैक्सिमम एक्वस सॉल्यूशन, और इनको हम जो है नोज की कैविटी के अंदर इंस्टिल करते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप, ठीक है, नोज की कैविटी में, नोज के अंदर इंस्टिल करते हैं। और फिर वही बात है, इनको एक्वस क्यों बनाया जाता है? इनको मोस्टली एक्वस इसलिए बनाया जाता है कि आपको पता है कि आपकी जो नेजल सीक्रेशंस हैं उनका जो बेस है दैट इज वाटर, तो उसके साथ इजीली मिसिबल हो सकते हैं। पहले क्या था, पहले क्या था कि जो आपकी नोज की कैविटी के अंदर ड्रग की एब्जॉर्प्शन का टाइम जो था उसको प्रोलॉन्ग करने के लिए इनको थोड़ा ऑयल वहीकल में भी बनाया जाता था ताकि मैक्सिमम टाइम के अंदर रह सके। बट क्या है, जो ऑयल का व्हीकल आप यूज करते हैं वो व्हीकल जो है वो आपके ट्रैकिया में अंदर जा सकता है। जैसे रिपीटेड यूज से क्या होता है कि जो सीलिया होते हैं नोज के अंदर जो हेयर होते हैं उनकी सीलियरी मूवमेंट को ये इनहिबिट करते हैं ऑयल के ड्रॉपलेट्स, फिर ये ट्रैकिया में भी पहुंच जाते हैं और क्या करते हैं, पेशेंट को लाइफाइड न्यूमोनिया कॉज करते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे जो लिक्विड पैराफिन या कोई और फिक्स्ड ऑयल यूज होता था या ब्रेकअप, उनका यूज नेजल ड्रॉप्स में आजकल जो है डिस्करेज हो चुका है, आजकल एक्वस सॉल्यूशन ही मैक्सिमम यूज किया जा रहा है। नेजल ड्रॉप्स जो है एंटीसेप्टिक पर्पस, लोकल एनालिसिस पर्पस या वैसोकंस्ट्रिक्टिव प्रॉपर्टीज के लिए यूज किए जाते हैं। नोज में कोई इन्फेक्शन है तो एंटीसेप्टिक पर्पस के लिए, कोई पेन हो रही है नोज में किसी रीजन से तो एनालिसिस पर्पस के लिए, और अगर किसी टाइप की ब्लीडिंग हो रही है तो वेजो कंस्ट्रिक्ट करने के लिए, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने के लिए हम नेजल ड्रॉप्स को जो है यूज करते हैं। अब जो नेजल ड्रॉप्स आपके बनाने होते हैं तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले वो क्या है, इनको आइसोटोनिक बनाया जाता है बाय एडिंग थर्मस लाइन 0.9% सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डाल के इनको आइसोटोनिक बनाया जाता है। सेकेंड क्या होता है, इनकी जो पीएच होती है वो न्यूट्रल रखी जाती है, अराउंड 7 रखी जाती है, और इनकी विस्कोसिटी होती है, इनका रुबारा कम होता है, वो नेजल सीक्रेशंस के साथ मैच करना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या
ये जो सॉल्यूशंस होते हैं आपके, इनको हम कलर फ्लूइड वाटर्स में डिस्पेंस करते हैं। तो ये आपके जितने भी थे लिक्विड टू बी यूज्ड इन माउथ एंड अदर बॉडी कैविटीज का टॉपिक जो है वो सारे के सारे कवर हो गए, कंप्लीट हो गए। अब आ रहे हैं लिक्विड्स टू बी अप्लाइड टू द स्किन। स्किन के ऊपर अप्लाई करने वाले लिक्विड्स, इसमें फर्स्ट क्या है, लिनिमेंट्स। अब ये टॉपिक आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, लिनिमेंट एंड लोशन, पेपर में इसका डिफरेंस बहुत पॉपुलर है। लिनिमेंट्स आर लिक्विड और सेमी लिक्विड प्रिपरेशन मेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन। तो लिनिमेंट्स बेसिकली क्या होती हैं, लिनिमेंट्स होती हैं लिक्विड और सेमी लिक्विड प्रिपरेशन, ठीक है, और मेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन। ये कैसे लगाए जाते हैं स्किन के ऊपर, ये विद फ्रिक्शन, यानी लिनिमेंट को लेके आपने रब करके अच्छे से फ्रिक्शन स्किन के ऊपर अप्लाई करना है। तो अब एक बेसिक चीज है कि जब आप किसी चीज को रब करके स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो आपने उसको ब्रोकन स्किन के ऊपर अप्लाई नहीं करना, मतलब ब्रोकन स्किन या आपके कोई वुंड है कोई कट लगा है, अगर आप वहां पर रब करके अप्लाई करेंगे तो वहां क्या होगा, आपके ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसलिए जो को लिखा जाता है डू नॉट अप्लाई ऑन द ब्रोकन स्किन। अब लिनिमेंट किस पर्पस के लिए यूज होती है, एनालिसिस पर्पस के लिए, ठीक है, बहुत कॉमन है, जैसे जॉइंट में पेन वगैरह में ये लगाई जाती है। फिर रूबी पेशेंट टू बी अप्लाइड बाय रबिंग, उस एरिया में ये ब्लड फ्लो को इंक्रीज करती है। स्मूदिंग पर्पस के लिए, इस एरिया में आपको पेन हो रहा है वहां पर रिलीफ देती है। और स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टीज के लिए, ब्लड फ्लो को स्टिमुलेट करना उस पर्टिकुलर एरिया में, वहाँ किसी पेशेंट को स्टिमुलेट करना, उस पर्पज के लिए हम लिनिमेंट्स जो है यूज करते हैं। अब लिनिमेंट का जो लेबल होता है उसके ऊपर आप लिखते हैं फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, ठीक है, और मोस्टली ये इमर्शन टाइप की बनाई जाती है, इसलिए इनकी बॉटल के ऊपर ये भी लिखा जाता है शेक द बॉटल बिफोर यूज। और यहाँ पे देखिए मैंने बोर्ड के ऊपर मोस्ट पॉपुलर लिनिमेंट की एग्जाम्पल का, दैट इज टर्पेंटाइन लिनिमेंट, ठीक है, उसकी एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे लिखी है। ये देखिए RX है आपका सॉफ्ट सोप 3.75 ग्राम, कैम्फर 2.50 ग्राम, टर्पेंटाइन ऑयल 32.50 ग्राम है, और प्योरीफाइड वाटर 11.25 एम एल। ये फॉर्मूला है टर्पेंटाइन लिनिमेंट का। तो अब इसको आपने बनाना कैसे है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। आपने क्या करना है, एक ड्राई कंटेनर लेना है, बिल्कुल ड्राई, जैसे आपने कोई पास ले लिया, उसके अंदर टर्पेंटाइन ऑयल डाला और कैम्फर को उसके अंदर डिसॉल्व कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, वेस्टर्न वाटर लेना है, उसमें थोड़ा सा प्योरीफाइड वाटर डाल के उसके अंदर सॉफ्ट सोप को आपने डिसॉल्व कर देना है। अब क्या करना है, जो आपका कैम्फर ही टर्पेंटाइन ऑयल का जो सॉल्यूशन आपके पास रेडी है उसको थोड़ा थोड़ा करके आपने जो है वाटर में डालना है और रिट्रीट करते जाना है, ठीक है। ऐसे करते करते आप देखेंगे आपके पास एक वाइट कलर की थिक इमर्शन फॉर्म हो गई है, क्रीमी इमर्शन बन गई है। अब इसके अंदर आपके बाकी का जो बचा हुआ प्योरीफाइड वाटर है वो डाल के आपने वॉल्यूम पूरा कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से आप बनाएंगे टर्पेंटाइन लिनिमेंट। अब ये जो आपकी टर्पेंटाइन लिनिमेंट है ये क्यों मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये प्रैक्टिकल में भी है, और सेकेंडली क्या है, इसके यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इरिटेंट भी यूज होती है, काउंटर इरिटेंट भी यूज होती है, और लुब्रिकेशन भी यूज होती है, ठीक है। इसको हम कहाँ यूज करते हैं, इसको हम अर्थ्रेजिया, अर्थ्रेजिया मीन्स पेन इन जॉइंट्स, फिर माइग्रेन, माइग्रेन मीन्स मस्कुलर पेन, मसल्स में जो पेन होती है, और फाइब्रोसाइटोसिस यानी लिगामेंट्स की पेन, और स्प्रेन, स्प्रेन जैसे मोच वगैरह आती है, इन सारों में ये जो लिनिमेंट है बल्कि इफेक्टिव मानी जाती है। अब मैंने आपको इसके एक्शन बताए, इरिटेंट, इरिटेंट का मतलब, इरिटेंट क्या होते हैं, एजेंट्स विच आर यूज विच डू नॉट डायरेक्टली डिस्ट्रॉय द टिश्यू, टिश्यू को वो डिस्ट्रॉय नहीं करते, बट विच आर यूज टू कॉज इंफ्लामेशन इन द पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, जिस एरिया में वो अप्लाई किए जाते हैं वहाँ पे वो इंफ्लामेशन कॉज करते हैं, थोड़ी स्वेलिंग हो जाती है, बट वो टिश्यू को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। उसके बाद आता है लुब्रिकेशन, जो टू बी अप्लाइड बाय रबिंग, जब वो अप्लाई किए जाते हैं रब करके तो वो क्या करते हैं, कंजेशन एंड रेडनेस, जिस एरिया में आपने रब करके लगाया वहाँ पे वो कंजेशन और रेडनेस को कॉज करते हैं, और ब्लड फ्लो को उस पर्टिकुलर एरिया में इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है।
और उसके बाद थोड़ी सी इरिटेशन का भी सिम्टम को प्रोड्यूस कर देते हैं। थर्ड इफेक्ट है काउंटर इरिटेंट इफेक्ट। काउंटर इरिटेंट जो ड्रग्स द एजेंट्स होते हैं विच आर अप्लाइड लोकली टू इरिटेट द स्किन, जब आप उनको अप्लाई करते हैं तो वो इरिटेट करते हैं स्किन को, उस एरिया में रेडिकल रेडनेस कॉज करते हैं, बट रिड्यूसिंग द अंडरलाइन और डीप सीटेड इरिटेशन और पेन। जैसे आप मुंह वगैरह लगाते हैं, वॉलिंग जेल लगाते हैं, तो जब आप लगाते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में तो आप क्या फील करते हैं, उस एरिया में भी रेडनेस थोड़ी हील प्रोड्यूस होती है, बट जो पेन होती है डीप सीटेड पेन आपकी अंडरलाइन जो पेन है वो धीरे धीरे रिलीव हो जाती है, उस एक्शन को हम बोलते हैं काउंटर इरिटेंट इफेक्ट। तो ये एक्शन होता है कि आप नॉर्मल रूटीन में घर में देखिए ये नॉर्मल रूटीन में प्रैक्टिस किया जाता है, बहुत सारे फिजिकल जो काउंटर इरिटेंट है आप घरों में भी यूज करते हैं, इवन उसमें आता है हॉट वाटर बॉटल जो घरों में गर्म पानी की बॉटल से सेक दिया जाता है, वो भी इसी के अंदर आता है काउंटर इरिटेंट इफेक्ट के अंदर। ठीक है, रेडियल ही शॉर्ट वेव डायथर्मी, ये सारे जो हैं और कुछ केमिकल एजेंट्स भी जो होते हैं जैसे आपके टर्पेंटाइन ऑयल, कैम्फर, मेंथोल, ये सारे इसी इफेक्ट के लिए यूज होते हैं। मिथाइल सैलिसिलेट जो ड्रग है वो हर बाम में हर ऑइंटमेंट में जो एनालिसिस ऑइंटमेंट उसके अंदर डाली जाती है, और ये जो ड्रग है उसका मेन इफेक्ट भी काउंटर इरिटेंट इफेक्ट है, उस पर्टिकुलर एरिया में ये ब्लड फ्लो को काफ़ी इंक्रीज कर देते हैं। अब टर्पेंटाइन ऑयल जो है यहाँ पे ये वोलेटाइल ऑयल है, ठीक है, और ये वाटर के साथ मिसिबल नहीं होता है, इसलिए हम इसकी इमर्शन बनाते हैं बाय यूजिंग इमर्सिफाइंग एजेंट सॉफ्ट सोप। टर्पेंटाइन ऑयल आपको मिलता कहाँ से है, डिस्टिलेशन ऑफ टर्पेंटाइन, ठीक है, पाइनस के अलग अलग स्पीसीज से उसकी डिस्टिलेशन करके आपको टर्पेंटाइन ऑयल जो है मिलता है। और लास्ट जो है इसमें आता है कैम्फर, कैम्फर जो है वो एक वोलेटाइल सब्सटेंस है, उसका जो सोर्स होता है आप जानते हैं वुड ऑफ सिनेमन कैम्फर, इसको भी आप माइल्ड बनाया जैसे कि यूज करते हैं कैम्फर को भी और ऊपर फेशियल भी यूज करते हैं, और ये भी काउंटर यूज होता है। क्लियर, ये आपका टॉपिक है, आपको अगर 4 मार्क्स में या 8 मार्क्स में आता है तो आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल, और इसकी एग्जाम्पल को भी आपने पूरा एक्सप्लेन करना है। अब आपका लास्ट टॉपिक आ गया, दैट इज लोशन। लोशन क्या होते हैं, यूजली सस्पेंशंस और डिस्पर्शंस, ठीक है, जैसे यदि मैं इमर्शन का, ये सस्पेंशन होते हैं या डिस्पर्शन होते हैं इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन इन द स्किन, स्किन के ऊपर लगाने के लिए बनाए जाते हैं। अब ये बिना रखने के आप जानते हैं जैसे किस तरह के लोशन आप यूज करते हैं, तो आप देखते हैं लोशन कैसा अप्लाई करते हैं विदाउट रबिंग, कोई भी एब्जॉर्बेंट मटीरियल लेके उसको लोशन के अंदर डिप करके आप उसको स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं विदाउट रबिंग, इसको आप कैसे भी स्किन टाइप है उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो इनका इफेक्ट क्या होता है, फॉर लोकल कूलिंग, कूलिंग इफेक्ट के लिए, सूदिंग और प्रोटेक्टिव पर्पस के लिए, ठीक है, लोशन जो है आप यूज करते हैं सूदिंग इफेक्ट, आरामदेह इफेक्ट देने के लिए और स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, प्रोटेक्टिव इफेक्ट के लिए आप उसको यूज करते हैं। इसके अलावा एनेस्थेटिक और एंटीसेप्टिक एक्शन के लिए भी बहुत सारे लोग डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो लोशन को प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे मतलब एक पर्टिकुलर स्किन के मोशन को एनेस्थेटिक के लिए, लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट के लिए और एंटीसेप्टिक एक्शन के लिए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी आप बहुत सारे प्रिपरेशन जो है ऐसे यूज करते हैं। तो लोशन जो है वो बेसिकली सस्पेंशन है, सस्पेंशन और डिस्पर्शन है, उसकी बहुत कॉमन एग्जांपल है कैलामाइन लोशन। कैलामाइन लोशन आप लोगों ने फर्स्ट में बनाया था इसलिए आपको पूरा पता है उसके बारे में, ठीक है, पिंक कलर का लोशन, लाइट पिंक कलर का, तो आपको उसका फॉर्मूला भी याद होगा, उसके मैंने बोर्ड पे फॉर्मूला नहीं लिखा है, आप अपने बुक से देख सकते हैं। सेकेंडरी में फिर से रिपीट करना है आपने सेम प्रैक्टिकल, ठीक है। तो जो लोशन होते हैं लोशन के अंदर हम जो है अल्कोहल लीव पर्टिकुलर डालते हैं, अल्कोहल क्या करता है कि बेसिकली द ड्राइंग और कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लोशन में हम कोई ना कोई ह्यूमेक्टेंट डालते हैं जो मॉइस्चर के लेवल को मेंटेन करता है, जैसे दिस। अब आप देखिए कैलामाइन लोशन अगर आपको याद हो तो कैलामाइन लोशन में क्या था, आप याद रखें कैलामाइन और जिंजोसाइन दो ड्रग्स आप डालते थे, दोनों जो ड्रग्स थे आपकी एस्ट्रिंजेंट थी, ठीक है, एंटीसेप्टिक पर्पस के लिए यूज हो रही थी,
असिस्टेंट पर्पस के लिए उन्होंने जो थी वो यूज हो रही थी। तो असिस्टेंट आप जानते ही हैं कि असिस्टेंट क्या होता है, प्रोटीन रेसिपिएंट होता है। तो ये जो दोनों ड्रग्स थी आपकी प्रोटेक्टिव और एंटीसेप्टिक एक्शन के लिए उनको यूज होती थी। कैलामाइन और डिक्लोसाइड में डिफरेंस क्या था कि जो कैलामाइन है वो भी बेसिकली कार्बोनेट है, पर उसके अंदर थोड़े ट्रेसेस फेरिक ऑक्साइड के हैं। तो जिंक कार्बोनेट जो है वो व्हाइट कलर का है और फेरिक ऑक्साइड जो है वो जो उसका रेड कलर उसके अंदर डाल के पिंक कलर आ जाता है। इसीलिए जितनी भी आपके कॉस्मेटिक प्रेपरेशन हैं जिनमें हमें फ्रेश स्किन जैसा कलर होता है वहाँ पे हम आपका लोशन जो था वो ज्यादा विस्कस होने के चांस रहते थे। उसके अलावा हमने डाला था फिनोल, लिक्विफाइड फिनोल, वो एंटी क्रोटिक यानी अगेंस्ट इचिंग एक्ट करता था और एंटीसेप्टिक भी था। और लास्ट हमने डाला था ग्लिसरीन, ग्लिसरीन हमने डाला था एज ह्यूमेक्टेंट टू मेंटेन द मॉइस्चर लेवल ऑफ द प्रिपरेशन। तो ये था आपका लोशन, कैलामाइन लोशन। और लोशन की बॉडी के ऊपर भी आपने यही दो लेबल लिखे हैं, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली और शेक द बॉटल एंड ठीक है। तो पेपर में देखिए आपको क्वेश्चन क्या आएगा, आपको क्वेश्चन आएगा मोस्टली डिफरेंस बिटवीन लोशन एंड लिनमेंट। तो आपको रेडीमेड डिफरेंस नहीं मिलेंगे, आपको खुद डिफरेंस बनाने पड़ेंगे। बोर्ड पे मैंने मैक्सिमम चीजें लिख दी हैं, डेफिनेशन ठीक है, अप्लाई थेरेपी दोनों अप्लाई होगा, डोपन स्किन, फिर इनके एक्शन सारे अलग अलग हैं ठीक है, और इनकी जो एग्जाम्पल है वो अलग है। ठीक है, तो इसके साथ आपका ये जो चैप्टर था काफी लंबी चैप्टर मोनोफेसिक लिक्विड रूप में जो है वो